नहीं बड़ी हाँ? जी मॉडल बहुत सारी में आवाज आ रही है आप लोगों का। जी थोड़ी सी मफल्ड आ रही है। आज से नया चैप्टर होगा ना? नहीं अभी तो थर्मल प्रॉपर्टीज हमने शुरू किया था, बस आज उसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज की कितनी क्लासेस होगी? थर्मल प्रॉपर्टीज के दिव्यांश दो क्लासेस हो गए। मेरे को तो लगा था कि लास्ट क्लास में फ्लूइड्स हुआ था सर, इसलिए मैंने किया नहीं कि नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। नहीं, लास्ट क्लास में भी थर्मल हुआ था, उससे लास्ट क्लास में भी थर्मल हुआ। एक सेकंड, मेरे को चेक करना था, मैंने गलत लिखा इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं। हम थर्मल में स्पेसिफिक हीट ये सब चीजें हम कर चुके थे, वाटर इक्वल हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कैलोरी मीटर। अब ये कुछ थियोरिटिकल टॉपिक्स हैं, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, कुछ पार्ट पे होमवर्क दूंगा। जैसे एक टॉपिक है कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी मीटर बेसिकली एक बकेट है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। खत्म हो गया फ्लूइड्स, थर्मल लास्ट दो यूनिट्स बचे हैं, बस एक थर्मल बचा है और एक एसएचएमएंट वेव्स बचा है। लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है, सेकंड सर 31st को आपने थर्मल ही कराया था। 31st का थर्मल करा था। फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने क्लास करी नहीं, कि फ्लूइड्स का, क्योंकि मेरा फ्लूइड्स पूरा ही छूटा है ना, तो वो तो मैं अकॉर्डिंग से अलग से कर ही रहा हूँ। थर्मल थर्मल लास्ट वेडनेसडे से थर्मल चला। चलो देखो कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी मीटर क्या, कैलोरी मीटर ये एक्सपेरिमेंट्स में ना जब आप करते हो तो आप एक डिवाइस यूज करते हो
जो डिवाइस बेसिकली एक बकेट टाइप है, ऐसे यूज करते हैं मटेरियल की स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के। अब कैलोरी मीटर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस नहीं है, बस एक बकेट समझ लो, जैसे थर्मस होता है, थर्मस टाइप मटेरियल है कि इसमें से हीट एंटर नहीं कर सकती और इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती। तो इस कैलोरी मीटर को बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉपर की वेसल लेते हैं, कॉपर वेसल। अच्छा कॉपर कैसा है, इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट? कॉपर बैड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सो कॉपर से हीट बाहर भी जा सकती है, कॉपर में हीट एंटर भी कर सकती है। आपको करना क्या है, इस कॉपर को ना इंसुलेटेड बनाना है। तो इसे इंसुलेटेड बनाने के लिए आप क्या करते हो, कॉपर को रख देते हो विद इन अ वुडन जैकेट। ये एक वुड की जैकेट है, वुडन जैकेट, सर, उसके अंदर वुडन जैकेट रख देते हैं या उसे वुडन जैकेट में रख देते हैं? कॉपर वेसल को वुडन जैकेट में रख देते हैं। तो ये आपकी कॉपर वेसल, आप चाहते हो कुछ ऐसा जो इंसुलेट हो जाए कि हीट बाहर ना निकले। वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपने इसे वुडन जैकेट में रख दिया। अब कॉपर और वुड के बीच में ना कुछ वुल डाल देते हैं, कॉटन डाल देते हैं, या आपने वुल डाल दिया, वुल भी आप इसीलिए डाल रहे हो ताकि ये थोड़ा सा इंसुलेटेड हो जाए, इससे हीट बाहर ना निकले। तो आपने इसे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसमें आपने एक थर्मामीटर ऐड किया, ये थर्मामीटर डाल दिया। असीब अभी बताता हूँ जस्ट आपको, जस्ट 2 मिनट। और उसमें आपने थर्मामीटर डाल दिया, दिस सिस्टम इज नोन एज कैलोरी मीटर। इस सिस्टम को आप कैलोरी मीटर कहते हैं। इस कैलोरी मीटर को आप फर्दर इसे यूज कर सकते हैं टू मेजर स्पेसिफिक हीट एंड ऑल। ये आपका थर्मामीटर आपने ऐड किया हुआ है टू मेजर। बस कैलोरी मीटर में होगा ये कि ये जो आपने जो भी वुडन जैकेट ली हुई है, आपने जो वुल लिया हुआ है, इन सब चीजों की वजह से ये एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो न तो हीट इसमें एंटर करेगी ना यहाँ से हीट बाहर जाएगी, सो दैट्स अ कैलोरी। अब इस कैलोरी मीटर के बाद नेक्स्ट है कैलोरी मीटरी, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटरी भी आप कहते हो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर आपने कुछ आयरन लिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उस आयरन के साथ साथ आपने कुछ और ले लिया, आयरन लिया आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर और आयरन के साथ आपने लेट से वाटर लिया 50 डिग्री सेल्सियस, आयरन और वाटर को मिक्स कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर आयरन, आयरन है एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने वाटर लिया हुआ है, वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स कर दिया। मुझे बताओगे अगर आप आयरन और वाटर को मिक्स करोगे तो कौन हीट गेन करेगा, कौन हीट लूज करेगा? बताया नोमा, अगर आपने आयरन और वाटर को मिक्स कर तो शायद दिया, से आयरन लूज करेगा। आयरन का टेम्परेचर ज्यादा है, आयरन हीट लूज करेगा और वाटर हीट गेन करेगा। इफ यू अज्यूम देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, तो आप कह सकते हो जितनी हीट आयरन ने लूज करी होगी एग्जैक्टली उतनी ही हीट वाटर गेन करेगा। दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर। हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट। दिस इज सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सिर्फ इस सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर दो, इन दोनों को लिखो, विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट।
ठीक है आप लोगों ने इतना। ओके एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसमें कुछ अननोन टर्म्स कैलकुलेट करवाएगा बट है बेस प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। उमर स्कूल में क्या हो रहा है आजकल? स्कूल तो बंद है एग्जाम के बाद से, क्लास नहीं हुई कोई। लास्ट हुआ कितना था स्कूल बंद हुआ? लिक्विड सी खत्म हुआ था, फिर एग्जाम शुरू हो गए थे। यूटी क्या शुरू हुआ था? लिक्विड खत्म हुआ था, फिर एग्जाम शुरू हो गए थे यूटी। नोबा आपके यहाँ क्या हो रहा है? सर ऑसिलेशन। एक चैप्टर दिव्यांशु को, तुम्हारा तो एग्जाम ही अभी खत्म हुआ ना, तो फ्लूड ही हो रहा होगा दिव्यांशु। सर क्या पूछा आपने? स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में तो फ्लूड स्टार्ट ही हुआ है, हमें रोटेशनल पहले करा दिया ना। ओके देखिए दिस इज एनसीईआरटी का सॉलिड एग्जांपल है, इस क्वेश्चन को लिख लो फिर साथ में सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कुछ डेटा और दिया हुआ है, आपको एक डेटा और दिया उसने, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिए 0.386 × 10³ जूल पर केजी पर कैल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिए 4.18 × 10³ जूल पर केजी। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? नोट कर रहा है ना, स्क्रॉल करूं से? सर रुक जाए, उन्हीं लेट हो गए आज आप। यस सर, वो थोड़ा सा हुआ दिव्यांशु, दिव्यांशु नसीम आप लोग बहुत दिनों के बाद आए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दैट्स इसके बाद जो होगा वो फ्रेश है ऑलमोस्ट, तो फिर वो आपको समझ में आने लगेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज में ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा आपको समझ में आना चाहिए।
अरे कब तक लिखोगे? पर हमारा कितना बचा है इसके बाद? वैल्यू थर्मल, इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज, यस सर, बाद एक क्लास का और टॉपिक है, सो होपफुली वेडनेसडे थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, देन थर्मोडायनामिक्स, फिर हमारा लास्ट। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, तुम्हें 0.047 केजी एल्युमिनियम दिया हुआ है, इसे आपने 100 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, एक कॉपर के कैलोरी मीटर में डाला जिसमें वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कोई तो हीट लूज करेगा कोई हीट गेन करेगा, आपको डिसाइड ये करना है कौन हीट लूज कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है। तो एल्युमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर है 100, कॉपर और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब आप इस एल्युमिनियम को कॉपर के कैलोरी मीटर में डालोगे उमर, तो कौन हीट लूज करेगा, एल्युमिनियम और कॉपर प्लस वाटर? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हीट लूज करेगा, हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हीट लॉस करेगा, और हीट गेन कौन करेगा? एल्युमिनियम में हीट लॉस कर दी, गेन कौन करेगा यार? देखो कॉपर है और वाटर है, कॉपर और वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, सो कॉपर भी हीट गेन करेगा, वाटर भी हीट गेन बाय कॉपर प्लस वाटर, कॉपर भी हीट गेन करेगा और वाटर भी। अब जो भी हीट लॉस या हीट गेन होती है उसे आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमसी डेल्टा टी, हीट गेन हो रही हो या हीट लॉस हो रही हो उसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे, एमसी डेल्टा टी से। तो हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम जो है दैट्स मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इनटू डेल्टा टी, हीट गेन बाय कॉपर, कॉपर जो हीट गेन करेगा दैट्स मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, प्लस ऐसे जब वाटर हीट गेन करेगा मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास ऑफ एल्युमिनियम देखो, मास ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है 0.047 केजी, सो दैट्स 0.047। एक चीज और याद रखिएगा, देखो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना इसे मॉडुलस में रखो, मॉडुलस में रखने से फायदा ये होगा इवन इफ इट इज नेगेटिव तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर ये टर्म नेगेटिव आती है इसका मतलब होता है हीट लॉस, तो ऑलरेडी आप देख चुके हो कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, तो फिर से नेगेटिव साइन लिखने का कोई मतलब नहीं। तो एल्युमिनियम लोगे 0.047 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम जो हमें कैलकुलेट करनी है, चेंज इन टेम्परेचर जो मुझे दिव्यांशु बताएगा, दिव्यांशु एल्युमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर और एल्युमिनियम का फाइनल टेम्परेचर बता दो। एल्युमिनियम इनिशियल 100 है और फाइनल टेम्परेचर 123 ना, यस इनिशियल 100 फाइनल 23, चेंज हमेशा हम ऐसे ही निकालते हैं, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट्स 23 माइनस 100। तो देख रहे हो अगर तुम वैसे कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मैंने इसे मॉडुलस में रख दिया पॉजिटिव। मास ऑफ कॉपर देखो 0.014 केजी कॉपर, 0.14 केजी कॉपर की स्पेसिफिक हीट यहां दी हुई है 0.3686 इनटू 10 रेज पावर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, कॉपर का फाइनल टेम्परेचर कितना है नोमा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर नोमा सर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 फाइनल है नोमा, जरा ढंग से पढ़ना एक बार, 23 सर,
क्लास के बाद कभी जब वक्त मिलेगा तब आप इसे वर्कआउट करें। इसे लिख लीजिए सर, मैं एक बार बता दो कि एल्यूमिनियम का फाइनल 23 डिग्री कैसा है। उसने कहा है ना कि सब कुछ मिक्स करने के बाद द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस रिटेन अ स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री सेल्सियस। कि आपने कॉपर में वाटर पड़ा था उसमें। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, हो गया। स्क्रॉल करूँ सर? यस सर। नेक्स्ट, सो दैट वाज अबाउट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हम तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर में चेंज आएगा और आपको हीट कैलकुलेट करनी है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, देन वी यूज दिस कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। उमर, वाटर का इनिशियल 23 नहीं, इनिशियल 20 है, फाइनल 23 है ना। फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 23, इनिशियल तो 20 दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लाइक ये तो हो गया और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मींस आप आइस को मेल्ट कर आपने वाटर बना दिया, वाटर को वेपराइज कर आपने स्टीम बना दी, या आयरन को मेल्ट करा दिया, दैट स्टेट चेंज। ये सब प्रोसेस है स्टेट चेंज। अब आपको ये कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग स्टेट चेंजेस कितनी हीट इन्वॉल्व होती। उन्हीं 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या एग्जिस्ट करता है, वाटर या आइस? 0 डिग्री सेल्सियस सर, आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस एग्जिस्ट करती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर नहीं हो सकता? वाटर भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम भी होती है। अच्छा चलो छोड़ो इस डिस्कशन को, ये बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और 100 ही डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से आपका हाथ जलाया जाएगा या स्टीम से जलाया जाएगा, आप किसे प्रेफर करेंगे? हाँ जी, वाटर, स्टीम या एक ही बात? सर कैन यू रिपीट, वाटर, स्टीम या फिर? या फिर दोनों में एक ही बात, किसी से भी हाथ जलाया जाए सेम इफेक्ट पड़ेगा। थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टीम में तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? टेम्परेचर तो सेम है। टेम्परेचर तो सर आपने क्या पूछा? मैंने कहा आपका हाथ जलाया जाएगा और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से आपका हाथ जलाया जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से आपका हाथ जलाया जा सकता है, आप किसे प्रेफर करो? तीसरा ऑप्शन सर, वाटर को। क्यों? स्टीम को क्यों नहीं?
टेम्परेचर तो सेम, क्योंकि स्टीम का बर्न ज्यादा सीवियर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से स्टीम ज्यादा गर्म शायद, पता नहीं। हां देखो, वाटर और स्टीम दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर भी हैं अगर, तब भी स्टीम का हीट कंटेंट ज्यादा होगा वाटर से, वाटर के कंपेरेबल स्टीम का हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। तो देखो स्टेट चेंज में होता क्या है, ड्यूरिंग स्टेट चेंज नो चेंज इन टेम्परेचर, ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में अगर आप सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज ला रहे हैं। एग्जाम्पल मीन्स, अब आप जो हीट दे रहे हो, लेट से मैंने आइस ली 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब आप उसे हीट दोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस है, आपने इसे कुछ हीट प्रोवाइड करी, और उस हीट के बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने जो हीट दी उस हीट ने करा कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, आइस और वाटर में क्या डिफरेंस है अगर मैं इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन की फॉर्म्स में लूं या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन की फॉर्म, कहां इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होता है, आइस में या वाटर? आइस में, आइस सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होता है, लिक्विड स्टेट में जाकर कंपैरेटिव बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी सिस्टम को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेकर आना चाहते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करना होगा, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल एनर्जी, और वो एनर्जी आप हीट के थ्रू देते हो। तो आपने जो हीट दी वो सारी की सारी हीट एनर्जी सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज कराने में यूज हो रही है, हीट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसने टेम्परेचर चेंज कराया। दैट्स व्हाई वी से दैट ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट एनर्जी इज यूज इन इंक्रीजिंग इंटरएटमिक सेपरेशन, सारी एनर्जी इंटरएटमिक सेपरेशन या इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज कराने में यूज हो जाता है, नो चेंज इन स्टेट। दिस इज वन एग्जांपल। अब स्टेट चेंज के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, व्हिच इज नोन एज फ्यूजन, और लिक्विड अगर सॉलिड जब डायरेक्ट गैस बनता है तब होता है ना फ्यूजन, तो नहीं 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 फ्यूज को कहते हैं सब्लिमेशन, फ्यूजन मींस फ्यूज हो जाना, मेल्ट हो जाना, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज करने के लिए दिव्यांशु हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को या उससे हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रीज करते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट प्रोवाइड करके, दैट्स नोन एज वेपराइजेशन। और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे इसे क्या कहते हैं नम्रा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट, कंडेंसेशन। इसी तरह से ऐसा भी होता है जो नोहा कह रही थी नोमा, कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। और उसमें एक पॉसिबिलिटी और होती है कि वेपर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, विच इज नोन एज एंटी सब्लिमेशन। तो ये आपके पास अलग अलग स्टेट चेंज के एग्जांपल्स, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है उसे फ्रीज होना कहते हैं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है दैट्स वेपराइजेशन, वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है विच इज कंडेंसेशन, सॉलिड वेपर में जाएगा, वेपर सॉलिड में जाएगा, दैट्स सब्लिमेशन एंड एंटी सब्लिमेशन। तो ये आपके पास अलग अलग स्टेज, और सारी ही स्टेट चेंज में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ड्यूरिंग स्टेट चेंज आप हीट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लेटेंट हीट। अब
अच्छा उन्हीं ड्यूरिंग स्टेट चेंज क्या हीट हम ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू इज एमसी डेल्टा टी? हाँ जी नहीं, ड्यूरिंग स्टेट चेंज क्या हीट ऐसे निकाली जा सकती है एमसी डेल्टा टी करके आप हीट निकाल लो? यस सर। तुम आज नींद में। ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर में कितना चेंज आता है सर? नहीं आता टेम्परेचर। तो डेल्टा टी कितना होगा सर? जीरो। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा सर? जीरो। कैसा होता है कि ड्यूरिंग स्टेट चेंज आपने कोई हीट प्रोवाइड ना करी हो? नो सर। प्रोवाइड करोगे ना, सो ड्यूरिंग स्टेट चेंज आप हीट ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग स्टेट चेंज आप जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू से। m delta q is heat जो आपने बॉडी को स्टेट चेंज करने के लिए प्रोवाइड करी है, m is mass of the body, और ये जो l है इसे कहते हैं latent heat। अब इस latent heat कई तरह की होती है, अगर आप fusion करा रहे हो तो latent heat of fusion होगा, अगर आप vaporization करा रहे हैं तो latent heat of vaporization होगा, अगर आप sublimation ले रहे हो तो latent heat of sublimation होगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज जूल पर केजी। आप इसकी सीजीएस यूनिट लोगे, इट्स कैलोरी पर केजी इज द सीजीएस। चलिए इतना लिखिए। सर स्टेट चेंज से शो कर दीजिए। स्क्रॉल करूं से
नोट कर लिया ना नोमा नम्रा? यस सर। अब देखो एक ग्राफ आता है प्लॉट करने के, इंटरेस्टिंग ग्राफ है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कहता है एक्स एक्सिस पर आपको देता है टेम्परेचर, नहीं सॉरी नॉट टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर देता है हीट, जो हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड कर, y एक्सिस पर आपको देता है टेम्परेचर, एंड लेट्स स्टार्ट विद अ टेम्परेचर ऑफ लेट्स से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर ना आपके पास आइस है, ये है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ये आइस है आपके पास। अब मैं कह रहा हूं इसे कुछ हीट दो, जब आप इसे हीट दोगे तो ये कौन बताएगा, ये उन्हीं बताएगा, उन्हीं अगर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है इसे मैंने हीट अप किया तो इसका टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी? पहले सर टेम्परेचर राइज होगा। कहां तक राइज होगा? टेम्परेचर राइज होते होते कहां तक पहुंचेगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आइस से पहले जीरो डिग्री पर आइस बनेगी, जो हीट आपने प्रोवाइड करी होगी दैट हीट इज से डेल्टा क्यू वन, और डेल्टा क्यू वन ऐसे कैलकुलेट करेंगे एम सी डेल्टा, सी इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अब इसके बाद अगर मैंने हीट प्रोवाइड करनी शुरू करी सिस्टम को और मैं हीट अप करो तो नोमा आपको क्या लगता है स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगी? नोमा सर टेम्परेचर, जीरो डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस आइस हो जाएगा? नो सर, सर स्टेट चेंज होगी। अब ये जीरो डिग्री सेल्सियस आइस से जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर, जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर, या अब इसके बाद देखिए क्या होगा, और आप इसको हीट अप करोगे फिर स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर चेंज होगा? दिव्यांश सर स्टेट। अच्छा देखो डेल्टा Q2 जो होगा ये डेल्टा Q2 कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू एबल सर टेम्परेचर चेंज, अब टेम्परेचर वाटर बन गया ना जीरो डिग्री सेल्सियस, यस सर यस यस, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जाएगा, तो यहां पर डेल्टा Q3 आ जाएगा, ये होगा एम सी डेल्टा T स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब अगर मैं इसको और इसको हीट अप करूंगा तो अब क्या लगता है असीम, स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर चेंज होगा? स्टेट वाटर है ना, अब स्टेट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये स्टीम में, और असीम हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, स्टेट चेंज हुई, अब जो अगर मैं कह रहा हूँ डेल्टा Q4 को हीट कैलकुलेट करो कैसे आएगी? सर एक बार यहाँ से बता दीजिए, अच्छा लेटेंट हीट वाला, भाई जब आप स्टेट चेंज करेंगे तो हीट आएगी एम इनटू लेटेंट हीट, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट आएगी एम सी डेल्टा T, बस इतनी सी बात, इसे ड्रॉ कर लो, विल डू सम क्वेश्चन।
क्लियर ना? नीब नम्रा नोट कर लिया इतना सर वो डेल्टा Q2 क्या है वैल्यू ML और नीचे F लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सर LV क्या वेपर के लिए यस रेटेड हीट ऑफ वेपर सर सर हमारी मेरी अभी 4:45 से मैथ क्लास है तो मैं लीव कर रही हूँ अभी ओके मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी बाद में थैंक यू नेक्स्ट देखिए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सर इस ग्राफ के ऊपर का थोड़ा सा दिखा दो सर इसके ऊपर का मतलब ग्राफ हो गया मेरा सर ये नहीं बस लास्ट वाला ही देखना था ऐसा यूनिट के नीचे वाला सर ये सर अब ये क्वेश्चन लिखो उसको साथ में सॉल्व करें 3 kg ऑफ आइस दिए -12 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री से चलो जल्दी बताना शुरू करो उन्हीं -12 डिग्री सेल्सियस आइस कुछ हीट दोगे तो नेक्स्ट क्या बनेगा किस टेम्परेचर पर बनेगा और क्या बनेगा आइस बनेगा वाटर बनेगा क्या बनेगा सर 0 डिग्री सेल्सियस आइस और जो हीट कैलकुलेट करोगे वो कैसे आएगी सर डेल्टा क्यू एमसी डेल्टा टी एमसी स्पेसिफिक हीट अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस को फर्दर जब आप हीट दोगे तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा दिव्यांशु अब जब आप इसे हीट दोगे तो ये किस में कन्वर्ट वाटर क्या किस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस और अब जब आप इसको हीट दोगे डेल्टा क्यू टू वो हीट कैलकुलेट कैसे करेंगे दिव्यांशु आप जैसे हीट दोगे वो हीट एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे कैसे सर लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
फिर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? और कौन बचा? नोमा सर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर. 100 डिग्री सेल्सियस वाटर. हीट कैसे कैलकुलेट करें? डेल्टा क्यू थ्री हीट कैसे आएगी? एमसी डेल्टा टी. एमसी डेल्टा टी. अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में कन्वर्ट होगा असीम? स्टीम. 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम. और हीट कैलकुलेट कैसे करोगे आप? सर लेटेंट हीट. मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ एक्सपेंशन. सब आपको एक एक कर सारी हीट, टोटल हीट के लिए इन सारी हीट्स को कैलकुलेट करना होगा, ऐड अप करना होगा. सो टोटल जो हीट आप प्रोवाइड करेंगे दैट्स एम सी वन डेल्टा टी प्लस m into latent heat of vaporization, mc of delta t plus mass into latent heat of vaporization. So, जब आप heat calculate करोगे, it's the mass of the body. Mass of the body कितना है? 3 kg. पहले आप specific heat ले रहे हैं, ice की 2100. Temperature में change करो. Ice का initial temperature है -12, final है 0. तो आप ऐसे लिखोगे 0 माइनस माइनस प्लस. फिर मास पे जितना वो आइस है उतना वाटर बनेगा. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो कितना दिया हुआ है, 3.35 इनटू 10 रेस पावर 5. प्लस एमसी डेल्टा टी एम 3 हो गया. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 into change in temperature of water 0 से 100 जा रहा है, 100 minus 0, 3 kg into latent heat of vaporization 2.256 into 10 raised power 6. ये आपका टोटल. ऐसे आप टोटल हीट कैलकुलेट करें, ये सारी हीट्स को आप ऐड अप करते चले जाओ, आपको टोटल हीट. चलिए इसको लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और करते हैं सेम कॉन्सेप्ट. इसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर एक दो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं. हाँ जी नोमा, हुआ ये परेशानी इसमें? नो सर.
हाँ जी लिख लिया, स्क्रॉल करूं। वेंशु, उनीब, गया। अरे कहाँ चले गए? यस सर, ना लिखा तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर, लिख लिया। दिव्यांशु, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सही भाई, आपके पास 0.15 केजी ऑफ आइस है और वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स कर दिया आप। मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग टेम्परेचर है 6.7। तो नोमा बताओगे ये आइस और वाटर को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेड जो भी आ रहा है वो है क्या? वाटर है, आइस है, मिक्सचर मिलेगा, क्या मिलेगा? यस नोमा, आइस है, वाटर मिलेगा। तो इसमें बता सकते हो कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा? सर आइस लूज करेगा एंड वाटर गेन करेगा। अरे आइस बेचारा वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर है, लूज करेगा? सर लूज ही तो करेगा हीट, गेन करेगा। अच्छा नहीं सर, नहीं नहीं सर, गेन करेगा। जो 50 डिग्री सेल्सियस पर है वो वाटर हीट लूज करेगा। तो होगा क्या, ये जो हीट है, हीट लॉस्ट बाय वाटर एट कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। गेन कौन कौन कर रहा है? असीम, कौन कौन हीट गेन कर रहा है यहाँ? असीम, हीट गेन कौन करेगा? उन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आया करेंगे ना, क्लास से निकाल दिया करेंगे। तो कुछ दिनों में ना ये रूल बनाते हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं करे उसे उठाओ और वेटिंग रूम में डालो। इतनी देर तक सोचोगे छोटी सी चीज। उन्हीं हीट गेन कौन करेगा यार, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, 50 डिग्री सेल्सियस वाटर है, मिक्स कर दो। यस सर, वो मेरा माइक थोड़ा चल नहीं रहा था। कौन गेन करेगा? अरे 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेन करेगी, हीट गेन बाय आइस। अब जब आइस हीट गेन करेगी तो सिर्फ आइस ही रहेगा या वो आइस भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी? सर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी।
वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए इस वाटर ने जो हीट लूज करी है उसे आप ऐसे लिखोगे, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आइस जो हीट गेन करेगा उसे ऐसे लिखोगे, मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन सिर्फ आइस नहीं बन रहा है, वाटर नहीं बन रहा है जीरो डिग्री सेल्सियस, फिर उस वाटर का टेम्परेचर 6.7 तक जा रहा है। तो आप फिर से लिखोगे, फिर एक वाटर बना है, ये कौन सा वाला वाटर है जो आइस के मेल्ट होने से आया हो, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ। तो मास ऑफ वाटर देखो कितना है 0.15, वाटर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है 4186, चेंज इन टेम्परेचर बताओ नहीं वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, ये कुछ दिया है आपको इनिशियल और ये कुछ दिया है फाइनल, कहाँ है सॉरी, वाटर का ये इनिशियल है ये फाइनल है, कितना चेंज आया 43.6.7 माइनस 50 है ना, नेगेटिव होना चाहिए लेकिन मॉड्यूल 6.7 माइनस। आइस का मास कितना है 0.15 केजी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है ये हमने पहले भी यूज करी है, अच्छा यही कैलकुलेट कर, 15 केजी आइस के मेल्ट करने से जो वाटर बनेगा 0.51 से वो भी 0.15 केजी होगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4186, इसका चेंज इन टेम्परेचर कोई बताएगा मुझे नोमा, ये जो आइस से वाटर बना है 6.7 डिग्री सेल्सियस पर इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया होगा, हाँ जी नोमा कितना चेंज आया होगा, भाई यही हुआ होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट, कितना चेंज आया टेम्परेचर में 6.7 माइनस, जस्ट वन इक्वेशन वन वेरिएबल, LF आप यहां से कैलकुलेट कर सकते, चलो लिख लो सर, यहाँ पे मास ऑफ वाटर तो 0.3 केजी है, तो फिर सर आपने 0.15 लिखा है, एंड सर राइट साइड पे भी मास ऑफ वाटर 0.15 है, हाँ क्योंकि यही आईसी के तो मेल्ट होने से वाटर बना है ना, तो ये तो 0.15 होगा, ये तो वाटर वो है जो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3 केजी एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर वो है जो आइस के मेल्ट करने से बना, तो ये तो उतना ही है। ओके सर,
रिटन सर. ओके नेक्स्ट देखो. कुछ क्वेश्चंस देखो जरा प्रीवियस ईयर्स. पिछले साल शायद कुछ आया था. इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा बड़ा था क्या? इस वाले क्वेश्चन का आंसर था कितना? एक मिनट यार, आंसर तो मैंने चेक नहीं किया, जल्दी बताओ. कुछ प्रीवियस दो तीन मुझे दो मिनट. हाँ, इसका जो आंसर है द आंसर इज कितना है तुम्हारा? सर मेरा आंसर इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है गलत आ गया. आंसर तो स्टैंडर्ड है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना, इसकी 3.35 इनटू 10 रिस्क फैक्टर. सर कितना? 3.35 इनटू 10 रिस्क फैक्टर. हाँ ठीक है सर. क्लियर है? 3.34 है. मतलब ये सारे जितने क्वेश्चन है ना 2020 के, अभी जो लास्ट वाला था, ये सारे हो जाएंगे तुमसे. करके देखो एक बार, ये अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन दिए हुए, इसे करके देखो जरा क्या आता है आंसर. 3 मिनट है आपके पास, करीब होगा, नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्व करूँ. हार्डली 3 स्टेप की कैलकुलेशन लिखना है क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन लिख लो, वरना तो मतलब ही नहीं. लिखिए क्वेश्चन नंबर 2. बस मैं प्रीवियस ईयर इसीलिए कराता रहता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि जो थ्योरी आप कर रहे हो वो और जो आपके एग्जाम में चीजें आती हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अगर आप इतना याद रखो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत मुश्किल है. बस एडवांस के लिए वो संदीप सर वाली क्लास तो आप कर ही रहे होगे कि मैं सिर्फ मेंस तक टारगेट करके चल रहा हूँ, एडवांस संदीप सर लेके चलना. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? अरे आंसर भी आ गया. नोमा का कुछ आंसर आया और आया किसी का कुछ? सीम, दिव्यांशु, मुनीब,
हो गया, रब कर दूं इसे। उन्हीं कोई आंसर नहीं है, दिव्यांशु कोई आंसर नहीं आया। चलो साथ में सॉल्व करो। देखिए आपको बुलेट गिवन है 5 ग्राम, स्पीड है 210 मीटर पर सेकेंड। अनिप काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बुलेट की, एक्सप्रेशन बताओ यार। तो याद हाफ एमवी स्क्वायर। तो बुलेट का मास देखो, सब कुछ उसने सीजीएस में दिया है। सीजीएस में कैलकुलेट कर लेते हैं, बुलेट का मास 5 ग्राम है, 5 कर लेते हैं। अच्छा स्पीड 210 दी हुई है, तो उसको एक काम कर लेते हैं, 210 × 100 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, हाफ। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट हीट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा 1/2 × 1/2 × 5 × 210 × 100 स्क्वायर, ये डेल्टा क्यू आ गया। और डेल्टा क्यू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू MC delta T, बुलेट का मास दिया हुआ है आपको 5 ग्राम, तो आप लिख सकते हो 1/4 × 5 × 210 × 100 का स्क्वायर, M is 5, स्पेसिफिक हीट आपको चाहिए 0.03। इनटू चेंज इन टेम्परेचर, वही आपको कैलकुलेट। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी जो आ जाएगा इट्स 210 × 100। अब इसको जरा सा कैलकुलेट करके देखना है ये कितना आ रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें इसको, कैलोरी को, ये जो आया आपका स्पेसिफिक हीट जो दिया है कैलोरी है, कैलोरी को अर्ग में कन्वर्ट करता है। तो ये जो था 0.03, इसमें यहाँ पर 4.2 × 10⁻⁷ हो रहा है, तो यहाँ पर एक 4.2 × 10⁻⁷ हो रहा है। सो ये कैंसिलेशन हो गया। अगर मैं 4 से इसे कैंसिल करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा, तो ये बच गया 210 × 70 × 25 × 10⁻³ ÷ 4.2 × 10⁻⁷। सो जीरो को हटा देते हैं, 10 ये बढ़ा, ये 7 × 10 और 7 × 6 = 42। इसको इससे कैंसिल करते हैं, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। तो ये आया 35 × 25 × 10⁻³, इट्स 1 4 5 1 6 - सो इट्स 35 × 25 × 10⁻⁴। कोई है ऑप्शन? हाँ जी आयत ना,
अरे हुआ तुम लोगों से? यस सर, हो गया। चलो गुड, देखो उनीब नोमा का तो सही आ रहा था, तुम्हारा हुआ? सर मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था कि वुड में जो एनर्जी कन्वर्ट हुई कि उसको लेना था या नहीं। तो फिर तुम्हें तो बुलेट्स मतलब है, तुम बुलेट कर लो। चलो लिख लो। चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने सबने। नेक्स्ट करिए, थर्ड करके दिखाइए। सर मेरे को ये समझ नहीं आया ERGS में क्यों करा हमने कन्वर्ट। क्योंकि यहाँ जो स्पेसिफिक हीट दी है, देखो स्पेसिफिक हीट दी है कैलोरीज, है ना, और जब तुम काइनेटिक एनर्जी को CGS में कन्वर्ट करोगे तो वो अर्ग नहीं, तो ये अर्ग है और ये कैलोरी है, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तुम्हें कैलोरी को अर्ग। ठीक है Yes, sir. Sir, ERG का मतलब कैसे लिखते हैं? Yeah, one calorie is 4. नहीं सर, मतलब सेंटीमीटर उसके। अच्छा, डायमेंशन वाला। Yes, sir. अर्ग तो CGS यूनिट है, जो SI यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होती है, जूल को लिखते हो ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब CGS लोगे हीट एनर्जी के अलावा कोई भी एनर्जी उसकी यूनिट अर्ग होती है, अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन जब आप हीट एनर्जी लेते हैं तो SI तो जूल होगी हीट में, लेकिन जो CGS होती है वो CGS कैलोरी हो जाती है। वन कैलोरी होता है 4.2 जूल। जूल को जब अर्ग में कन्वर्ट करते हैं तो 10^7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 4.2 इंटू 10^7 अर्ग हो जाता है। वन क्या था? आया उन्हीं सोच में? यस सर। उन्हीं स्कूल में क्या हो रहा है? सर छुट्टियां चल रही है। पहले क्या हो रहा था? सिलेबस कहाँ तक कवर हुआ इसको? सर हमारा तो वेव्स चल रहा शायद। यस सर। एग्जाम्स कब से हैं? बिट फेब। सर 11 जन्स। 11 जनवरी। यस सर। फाइनल? सर फाइनल नहीं, मिड टर्म। कब सिलेबस क्या? सर सॉलिड जा रहे, फ्लूइड जा रहे और एक और चैप्टर आ रहा है सर। थर्मल? थर्मल यस सर। चलो चलिए थर्ड करिए, इसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करें।
जल्दी करो सर, थर्ड गुड असिंग इतना तो कम, तुम गायब कहाँ थे कई दिनों से, तुम थे नहीं क्लास में, सिलेबस तो हमने भी इतना ही कंप्लीट कर लिया। सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मल भी कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा भी सिलेबस तो हो ही चुका है। यस सर। सेकंड थर्ड सॉल्व करके बताइए मुझे क्या रहा। अरे ये तो आसान है भाई, अभी करा है आपने ऐसा क्वेश्चन। दिव्यांशु नहीं, तुम लोगों के इतने बुरे हालात तो नहीं हो सकते कि अभी करा है और ये ना सॉल्व हो तुमसे। क्वेश्चन लिख रहा था मैं। हाँ क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। बस दैट्स लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस थिंग, देन वी विल स्टार्ट ट्रांसफर ऑफ हीट। उन्हीं का है कुछ आंसर और किसी का? उन्हीं आपका गड़बड़ है, नोमा कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर, असीम और दिव्यांशु का भी आए। नोमा अब सही है, दिव्यांशु असीम, दो मिनट और वेट करूंगा उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। नहीं आ रहा किसी का? देखो सर मैं, देखो आसान सी बात है इसमें से, बस मुझे ये बता दो 100 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस,
इसे तुमने 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस के साथ मिक्स कर दिया. सो दिव्यांशु, हीट गेन कौन करेगा, हीट लॉस कौन करेगा, इतना बता दो, बाकी तो मैं कैलकुलेट कर देता. सर आइस गेन करेगा, वाटर लूज करेगा, बस इतना तो काम करना है. हीट गेन बाय आइस, हीट लॉस बाय वाटर. आइस जो गेन करेगा उसे लिखोगे मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस. अरे नहीं, आइस तो मेल्ट हो रही है ना बस, तो कैसे हीट कैलकुलेट करेंगे नोमा अगर सिर्फ मेल्ट हो रही है? सर लेटेंट हीट ऑफ आइस. वाटर लूज कर रहा है तो एम सी डेल्टा टी वाटर है. आइस का मास कितना दिया हुआ है? आइस का मास दिया है 100 ग्राम. सब कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ ठीक है इसमें, सब कुछ ऐसा है. तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.1 केजी हो गया. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी दिया हुआ है उसमें, 3.4 इंटू 10 रे पावर. मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना है? 200 ग्राम ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4200. चेंज इन टेम्परेचर, पहले जीरो था बाद में 25 हो गया. पूछा क्या इसमें? सब मास ऑफ आइस निकालना है. अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस 0.7 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो मास ऑफ आइस आएगा यहां से, ये क्यों किया है? टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है लूज करेगा. 100 ग्राम ऑफ आइस है, अच्छा ये हीट गेन करेगा. ओके, तो यहां से आप एम निकाल सकते हैं. तो ये टोटल आइस का मास है जो मेल्ट हुआ, देखना जरा इसे कितना है, कैलकुलेट करो इसे कितना आ रहा है. 61.7 इतनी आइस पर. दिव्यांशु इतना मुश्किल था ये? नहीं सर, वो 0.1 मैंने ले लिया था, उसके बाद समझ नहीं आया कि इसमें मिस क्या हो रहा है. आइस पूछ रहा है उसके तो कोई, तो सर इसमें हमने 0.1 लिया क्यों नहीं, वो 100 दिया तो है. नहीं है ना? अच्छा अच्छा जी, चलिए ये हो गया, ये खत्म हो. एक आखिरी ये वाला कर दो, फोर्थ कर दो, कुछ तो करो आज. थर्मल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ हीट रह जाएगा नेक्स्ट विटनेस के लिए. चलो उसे फोर्थ को करके बताओ मुझे क्या रहा है. बस ये देखना है कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है.
से तो कर लो, इतने बुरे हाल नहीं होने चाहिए तुम्हारे कि एक भी नहीं हो रहा तुमसे। जितनी तुमने आज चोरी पड़ी है ना उसके अलावा कुछ यूज नहीं करा, यूनिट देख लिया करो, सब कुछ सीजीएस में तो सीजीएस में कन्वर्ट कैलकुलेट करो। ऐसा मत करना है कि बेवजह तुम बेवकूफी में उसको सीजीएस को एसआईएम में कन्वर्ट करो, फिर तुम कहो कि अरे आंसर तो एसआईएम में दिए नहीं, ऑप्शन सीजीएस में दिए, तो तुम सीजीएस में कन्वर्ट करो, जिस यूनिट में दिया उस यूनिट में कैलकुलेशन करो। उन्हीं हो रहा है सॉल्व ये? यस सर, बस स्टीम का वो स्पेसिफिक हीट क्या लेनी है समझ में। स्टीम की स्पेसिफिक हीट, स्टीम की स्पेसिफिक हीट मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम जब 31 डिग्री सेल्सियस में आएगी तो 31 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, स्टीम होगी या वाटर होगा? सर वाटर। तो क्या 31 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम डायरेक्ट, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम डायरेक्टली 31 पर आ जाएगी? पहले क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो, उसमें आप लेटेंट हीट यूज करें, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 31 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, उसमें आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे स्टीम में। सोचिए जो हिंट दिया मैं। दिव्यांशु मैं सही वेट कर रहा हूँ या मुझे सॉल्व ही करना है बाद में भी अभी भी, ये ट्राई करो। चेंज इन टेम्परेचर 31 माइनस 100 होगा ना? हाँ, किसके लिए, वाटर के लिए ना? यस सर। बस उसे मॉडुलस में ले लेना। उनीब कुछ आया? उनीब गया, यह है अभी क्लास। नो सर। और असीम? सर कर रहा हूँ। कर रहा है। नोमा के तो आंसर करी करी। इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए कि ये सिंपल से न्यूमेरिकल ना होगा।
हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। सर मेरा आ तो गया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ गलत आया। अच्छा कुछ गलत है, चलिए सर कुछ कोई कर रहा है इसको वर्कआउट अभी भी? सर इसमें 25 सर 25 डिग्री जो दिया उसका कोई यूज था? देखो यहाँ दो चीज है ना, एक वाटर गिवन, अच्छा वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है कैलोरी मीटर का, और 180 ग्राम ऑफ वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपने 100 ग्राम आपने इसमें स्टीम ऐड कर, तो ये ऑलरेडी दो चीजें हैं, हीट गेन होगी हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर भी तो दे रहा है का वाटर इक्विवेलेंट दिया, इज इक्वल टू हीट लॉस कौन करेगा? स्टीम, हीट लॉस बाय स्टीम, गेन करेगा वाटर और कैलोरी मीटर, लॉस करेगा स्टीम, सो हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरी मीटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय स्टीम। अब हीट गेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई देखो जब वाटर इक्विवेलेंट देता है तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था दिस इज हीट गेन बाय कैलोरी मीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब देखो कैलकुलेट कैसे करें, कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो बस आपको मास चाहिए कैलोरी मीटर का और उसका वाटर इक्विवेलेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वाटर को देखना है जो गेन करेगा, मास ऑफ वाटर चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। देखो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 25, बाद में पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 31, सो दिस इज 31 माइनस। अब स्टीम जो हीट लूज करेगा वो दो स्टेप्स में लूज करेगा, पहले तो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट, फिर वो जो वाटर बना है स्टीम से उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और टेम्परेचर कम कहां से कहां तक हो गया? देखो पहले था वाटर 100 पर देखो कैलोरी मीटर का मास दिया है 20 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम और उसमें 180 ग्राम ऑफ वाटर पड़ा हुआ, या अलग से उसने कैलोरी मीटर का मास नहीं दिया, कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस कैलोरी मीटर को वाटर से रिप्लेस करोगे तो उस वाटर का जो मास आएगा दैट विल बी 20 ग्राम, तो आप ऐसे लिख सकते। जो टोटल मास आएगा इसका, इस कैलोरी मीटर का मास है, इट्स ये जो पूरी टर्म आपको दी हुई है दैट इज 20 प्लस मास ऑफ वाटर है 1,
वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 और वाटर के जो टेम्परेचर जो टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का वाटर का वो होगा मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस मास ऑफ ये समझ गए ये क्या है ऐसा है कि आपको वाटर का मास दिया है 180 ग्राम कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है 20 ग्राम दैट मींस कि वो कह रहा है जो भी कैलोरी मीटर है ना अगर आप उसको वाटर से रिप्लेस करेंगे तो वाटर का मास 20 ग्राम तो आप ये समझिए 180 ग्राम वाटर था 20 ग्राम वो जो कैलोरी मीटर है उसका वाटर इक्विवेलेंट है तो टोटल जो मास ऑफ वाटर आएगा दैट्स कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट प्लस मास ऑफ वाटर तो इट्स 20 प्लस 180 into specific heat of water is 1 into change in temperature 31 minus 25 आ गया 6 steam का mass हमें calculate करना है steam का latent heat of vaporization आपको दिया हुआ है which is 540 plus इस steam के condensation से जो water बनेगा वो भी इतना ही होगा water की specific heat 1 होती है 31 minus 100 आ गया 16 इस पूरी इक्वेशन में एक एम कॉम ये आप कैलकुलेट करके देखो लिख लीजिए और इसमें फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट देने का मतलब यही है वो कह रहा है अगर इस कैलोरी मीटर को हटाकर वाटर रखोगे तो वाटर 20 ग्राम का होगा ये क्वेश्चन खत्म हुआ नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट हम स्टार्ट और कुछ असाइनमेंट सॉल्व किया करो असाइनमेंट दिए जाते हैं आपको 2-3 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व किया करिए सर इसके ऑप्शन दिखा दीजिए 2, 4, 3.2, 2.6 करेक्ट ऑप्शन भी बता दूं करेक्ट ऑप्शन 4 का ए है सर ये सर 2.0 कुछ ऐसे आ रहा है करेक्ट ऑप्शन सॉल्यूशन m2 आ गया m विल बी 2 kg मास जी असीम उनीब नोमा नोट कर लिया इतना